ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 11 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म। विश्वकर्मा थाना इलाके की ये घटना, पड़ोसी युवक बालिका का मुंह दबाकर ले गया था अपने कमरे में। घटना के बाद आरोपी मोहम्मद इरशाद हुआ फरार। सूचना पर विश्वकर्मा थाना प्रभारी रमेश सैनी मौके पर पहुंचे। परिजनों की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया। विश्वकर्मा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बड़ी घटना है। जो बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी, इसी दौरान जो पड़ोस में रहने वाला जो युवक है मोहम्मद इरशाद नाम का, वो बालिका का मुंह दबाकर अपने कमरे पर ले गया। उसके बाद में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वहां से मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बालिका को अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर डॉक्टर मुआयना कराया जा रहा है, साथ ही उसका इलाज करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो आरोपी है उसकी फोटो आस पास के थानों में भेजी गई है, जिससे की जल्द से जल्द जो आरोपियों से गिरफ्तारी हो सके। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला युवक ही आरोपी है और काफी सालों से जो दोनों परिवार साथ साथ रहते थे, लेकिन युवक बहुत मजबूर है, अकेला रहता था। ऐसे में उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है और बालक के जो बालिका है, मासूम बालिका है, उसके परिजनों ने शिकायत पर थाने में मामला दर्ज हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, जिससे कि उसको उसके अंजाम तक पहुंचाई जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए थे झुंझुनू।